हाय नमस्ते, आज एक बड़ी खुलासा करूंगी इस चैनल पर, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड तक जरूर देखिए। और विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। और एक सवाल आपको मैं कहता हूँ, मेरे YouTube से जो संग चल रहा है पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, कौन सी संगीत का है और इस फिल्म का नाम क्या है उसको कमेंट करो। मैं उसका नाम और उनका सारा डिटेल्स मैं प्रोवाइड करूँगी मेरे वीडियो पर। चलो आज का नया खुलासा क्या है, अभी APS में जो पैसा उठाती है, जो लोग पैसा उठाती है, पैसा कटना शुरू ऑलरेडी हो चुका है, डेबिट होना शुरू हो चुका है। ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें मैंने बाबा पैसा बाहर से दो बार उठाया था फिंगरप्रिंट से, उनका चार्ज कट ऑलरेडी वो डेबिट हो चुका है, फेक चार्ज लेकर ₹20, फेक चार्ज ₹20। किसी को नहीं पता ये फेक चार्ज क्या है, ये ₹20 क्यों करती है, इसलिए मैं इस वीडियो को करने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग CSC वालों और बाकी जो दुकान जो पैसा APS से कारोबार करती है वो बैंक से पैसा करता है, लोग समझ नहीं पा रहे हो, खामोखा उन पर अटैक करते हैं कि आपने पैसा हमारे अकाउंट से करते हो। लोगों को भी बहुत लोग अभी भी तलक नहीं जानते हैं कि आप जब मैंने ATM से पैसा करता है लोगों को मालूम है, मगर फिंगरप्रिंट से पैसा कटने जो उठाते हैं जो पैसा कट रहा है मालूम नहीं है। मैं पंजाब नेशनल बैंक का बात कर रहा हूँ जो फेक चार्ज लेकर ₹20 करता है। ये सारा पंजाब नेशनल बैंक ऐसे बैंक है, मैं देख रहा हूँ हर जितना भी सारा पैसा मैंने चार्ज वही बैंक इसी बैंक के पास ज़्यादा बोधे है, मैं समझ सकता हूँ। आप अगर और जो बैंक है आप ज़रा देखो, सब चेक करो, क्योंकि आप लोग क्या था ना, फ़ोन पे में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, गूगल पे में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, जितना मैंने आपने बहुत मैंने UPI ट्रांजेक्शन करते हो, और इसीलिए बहुत पैसा आपका डेबिट भी उसी तरफ से हो रही है जो एक्सेस है, डेबिट विड्रॉल बैंक चेक करो। किसी बहुत लोगों का बैंक नहीं जाते हैं, मैंने सारे स्टेटस नहीं चेक करते हैं, जिसलिए पैसा बहुत कट रहा है। मैं आपको इतना आपको मैंने सरकार से निवेदन करूँगी, फिंगरप्रिंट से कौन पैसा उठाता है ज़्यादा से ज़्यादा, कोई गरीब आदमी, कोई हैंडीकैप आदमी, कोई डिलीवरी पेशेंट, जो भी हो बैंक नहीं जा सका होगा तो घर में वो पैसा उठाती है कि बाजू वाला दुकान से वो पैसा उठाती है। जो बाजू वाला दुकान जो भी आप चला रही है उसको परमिशन भी गवर्नमेंट देती है, RBI ने देता है, से स्वाइप मशीन हो चाहे फिंगरप्रिंट हो, जितने भी सारे APS कंपनी काम कर रही है इंडिया में, सबको गवर्नमेंट ही परमिशन देता है। अगर गवर्नमेंट परमिशन देता है तो फिर वो उसको चार्ज आप क्यों लगाती हो उन पर, वो तो 10-15 रुपया वो भी लेते हैं कस्टमर से, फिर आपने भी पैसा भी नेला शुरू ऑलरेडी कर चुके हो, इसमें क्या होता है सह लेंगे थोड़ा सा, 23 रुपया ऑलरेडी कट रहा है, जिसके खाता में बैलेंस नहीं है वो अगर पैसा नहीं है तो विड्रॉल करने के लिए ट्राई किया होगा मशीन पर, SBI वालों ने चार्ज लगा है। बाकी बैंक तो आपने चेक करो पता चलेगा, जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बैंक गया था मेरे अकाउंट में, और भी और एक हैरान की बात है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ही की टेक्निकल इश्यू से वजह से आपका अकाउंट में अमाउंट शो किया है, बट जब पैसा निकलने जाते हो वो इंसफिशिएंट बता रही है। कोई भी बैंक में किसी का भी कि होल्ड भी नहीं है, कि माइनस भी नहीं है, कि लोन नहीं है, उसके बाद भी इंसफिशिएंट बता रही है, ये टेक्निकल इशू उससे होता है, मगर पैसा हमारा करता है। सारे पहले पैसा कटने से पहले आपका अमाउंट आपका सिस्टम ठीक करो, ATM का मशीन ठीक करो। और एक बात, ATM जब पैसा निकलते अगर किसी का पैसा डेबिट हो जाता है आप 7 वर्किंग डेज टाइम लेते हो, ये भी सबको पता है। अगर 7 वर्किंग डेज टाइम लेते हो तो आपने कोई इंटरेस्ट हमको देते हो क्या, नहीं देते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं देते हो तो हमारा पैसा आप क्यों काटते हो, अगर हमारा पैसा अमाउंट नहीं है पैसा अकाउंट में, अगर गलती से मैंने ट्राई कर दिया आप पैसा करते हो हमारे अकाउंट से, ये ज़रा आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं निवेदन करूँगी इंडियन
गवर्नमेंट को और बैंक को, जो RBI गवर्नर अगर मेरा वीडियो उनको पहुंचेगा तो उनको अच्छा लगेगा। मुझे जितना पैसा आपने काटना जरूरी है उसे काटो, ज़्यादा से ज़्यादा दिन एक दिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मत जोड़ो कि बहुत लोग परेशान हो चुका है। सो दिस वीडियो इज वेरी नेसेसरी ऑल ऑफ यू, तो सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू दिस वीडियो शेयर लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। बस हवा निकल गई भाई, से कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि मैं जितना वीडियो अपलोड करूंगा फर्स्ट आपको पता चला जाएगा। इसी के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी और एक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, लव यू ऑल।